सजीला अपनी बेवकूफियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है। वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से अब देखेंगे कि शानजे की शादी हो जाएगी चांदनी के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानजे ही शानजे होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानजे किस कदर अच्छी लड़की है, और इस चीज़ का एतराफ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं खाम खा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा, लेकिन मुझे आज इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानजे के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावा के ऊपर से जो पैसों का बूझ था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे? इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है, इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से, मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे, तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफ्सियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे, इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, मैंने शानजे को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानजे के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानजे जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानजे मेरी ज़िंदगी में आई है, अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता। सजीला अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है। वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से अब देखेंगे कि शानजे की शादी हो जाएगी चांदनी के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानजे ही शानजे होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानजे किस
किस कदर अच्छी लड़की है और इस चीज़ का एतराफ़ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फ़ैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं ख़ाम खा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा, लेकिन मुझे आज इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानजे के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावा के ऊपर से जो पैसों का बूत था वो भी उतर जाएगा क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे? इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है, इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से, मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे, तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे, इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, मैंने शानजे को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानजे के ख़ुद करीब करती रही और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानजे जैसी लड़की को चुना, मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानजे मेरी ज़िंदगी में आई है, अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता।